सही में आज आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही दाल मखनी। दाल मखनी के लिए मैंने पहले हर तरह का दाल लिया, माश की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, तरह का दाल है इसमें, नीचे है सारा दाल। सारे दाल को पहले मैंने भिगो लिया है, दाल फूल चुका है। उसके लिए मखाना लिया है, एक कप मखाना, एक चम्मच अदरक पेस्ट, एक चम्मच लहसुन पेस्ट, एक चम्मच प्याज पेस्ट, तीन प्याज कटा हुआ बारीक देख सकते हैं, दो तेज पत्ता, थोड़ा सा काजू, थोड़ा नारियल कटा हुआ, ये काजू पिसा हुआ और फ्रेश मक्खन, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च एक चम्मच, हल्दी एक चम्मच, गरम मसाला थोड़ा सा और दो टुकड़ा दालचीनी, एक बड़ी इलायची, थोड़ा सा जीरा। अब मैं पहले देसी घी में मखाने को फ्राई कर लूँगी। अब मैं पहले देसी घी में मखाने को फ्राई कर लूँगी। मखाना फ्राई हो जाने पे हाई फ्लेम कर ले रहे हैं, हो चुका है। अब मैं मखाने को निकाल लेंगे। डालूंगी ये रिफाइन में, पहले बिरयानी करूँगी। ये रिफाइन पक चुका है, डालूंगी जीरा और ये बड़ी इलायची, दालचीनी, सबको पकने दूंगी। डाल दिया है, इसे थोड़ा गुलाबी होने देंगे। मेरा गुलाबी हो चुका है, पक चुका है, तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें दाल ऐड करूँगी, हुआ दाल। दाल मैंने ऐड कर दिया है, थोड़ा सा चला के भून लूंगी। दाल हो चुका है, अब मैं इसमें मखाना तला हुआ ऐड करूँगी। खाने को ऐड करने के बाद ये नारियल और काजू सारे को ऐड कर चुकी हूँ। अब देखिए इसमें बबल सारा है, फ्रेश क्रीम दो चम्मच इसमें डालूँगी, फिर ऊपर से सजा। टमाटर कट कर रही हूँ, कट कर लिया है। अब ये अच्छी तरीके से भुना चुका है, अब मैं इसमें पानी डालूंगी, पानी डाल के बंद कर दूंगी। दो सीटी में इसे मैं उतार लूँगी, हाई फ्लेम में छोड़ दिया है, तैयार हो गया है। दाल मखनी तैयार हो चुका है, अब मैं इसे सर्व करूँगी। इसे सर्व करूँगी।
मक्खन रस मलाई दाल मखनी तैयार हुआ हो गया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया।